हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो, आप सभी देख रहे हैं जियो जिंदगी सनम के साथ। एक सूरज था तारों के घराने से उठा, एक सूरज था तारों के घराने से उठा, आंखें हैरान हैं क्या शख्स जमाने से उठा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों, जाने वाले लौट कर नहीं आते हैं, सिर्फ उनकी यादें आती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौड़ जी की। आप सभी जानते हैं नदीम श्रवण फेम श्रवण राठौड़ जी। आज उनका जन्मदिन है 13 नवंबर। उनका जन्म हुआ था 1954 में। दोस्तों, उनकी कहानी तो हम सब ने सुनी है कि उन्हें आशिकी कैसे मिली, वो आगे कैसे आए, पहली फिल्म उनकी भोजपुरी दंगल की फिल्म थी, कैसे उनके गाने मशहूर हुए, कितने उन्होंने स्ट्रगल किया, उनको 15 से 20 साल लग गए इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल करने के लिए। उन्होंने आशिकी से पहले इलाका, बाप नंबरी बेटा दस नंबरी, लश्कर और अनगिनत ऐसी फिल्में की जो लोगों ने नोटिस ही नहीं की, लेकिन उसका संगीत भी बहुत खूब था। उन्हें तरक्की मिली आशिकी फिल्म से। आशिकी के गाने हम सबके मन पसंद है और जहाँ तक मैं समझती हूँ हम सबके जीवन से रिलेटेड होता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं उन गानों को अपने जीवन से जोड़ के सुनता है, चाहे वो धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तू मेरी जिंदगी है, मैं दुनिया भुला दूंगा। ये तो सिर्फ आशिकी फिल्म की बात है दोस्तों, ऐसी कई फिल्में हैं, अनगिनत फिल्में हैं, दीवाना, राजा हिंदुस्तानी, धड़कन, हम है राही प्यार के, साजन, जान तेरे नाम, दिल का क्या कसूर। दिल का क्या कसूर से इस महान म्यूजिक डायरेक्टर के समुंदर में जो खजाना है, उस खजाने में से मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे हिस्से में उस सिप्पी के दो मोती आए, उसमें से एक दिल का क्या कसूर का गाना मेरा सनम सबसे प्यारा है, बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत लोगों को पसंद आया, जिन्हें आशा जी ने और कुमार शानू जी ने गाया था। और दूसरा था फिल्म कैसे कैसे रिश्ते का भीगा है मौसम, जिसे आलिशा चिनॉय ने गाया था। दोस्तों, बहुत 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 खुशकिस्मत हूँ मैं कि ये गाने, ये खजाना, उसका कुछ हिस्सा मेरी किस्मत में भी आया। मुझे मिलने का मौका मिला इस बड़े कलाकार से, इस महान कलाकार से, जो पूरी दुनिया ख्वाहिश रखती है कि काश हम मिल पाते, हम जान पाते। बहुत 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 खुशकिस्मत हूँ मैं कि मिल पाई, उनके म्यूजिक पे मैं काम कर पाई, जान पाई। दोस्तों, उनके जितना सुलझा हुआ, बुद्धिमान, ज्ञानी और संगीत से भरपूर इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। उनका संगीत दोस्तों हम सबके दिलों पे राज करता है, हम सबके दिलों को छूता है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, नदीम श्रवण का नाम रहेगा, क्योंकि ये म्यूजिक, ये संगीत, ये मेलोडी इतनी स्ट्रांग है कि वो कभी भुलाई भूली नहीं जा सकती है। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, श्रवण जी ने खुद कहा था कि हम म्यूजिक दिल से बनाते हैं ताकि लोगों के दिल तक पहुंचे। और दोस्तों, मेरा मानना है कि हम सबके दिल तक पहुंचता है, जरूर पहुंचता है हम सबके दिलों तक। दोस्तों, दिल से दिल तक पहुंचने के लिए दिल से सोचना होता है, और मुझे लगता है कि दिल से ही सोच कर ये सारे गाने बनाए गए जो हम तक पहुंचे, हमारे दिल तक पहुंचे और हमारे दिलों पर राज करते हैं। दोस्तों, बड़ा मुश्किल होता है अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं, हमारी कोई क्रिएशन होती है जो सक्सेस ना हो तो हमें तकलीफ होती है। रेयर होता है कि हर एक गाना, हर एक गीत इतना मशहूर होना और हम सब तक पहुंचना, हमारे दिल दिमाग पर राज करना। ऐसा दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहां नहीं जानते होंगे नदीम श्रवण को।
दोस्तों आज उनका जन्मदिन है, बहुत अच्छा दिन है। आप सब अगर उनके फैन हो, आप सब अगर म्यूजिक पसंद करते हो, म्यूजिक लवर हो, संगीत प्रेमी हो, तो उन्हें जन्मदिन जरूर विश करें कमेंट करके, अच्छी शुभेच्छाएं रखें। और जब तक इस संसार में रहेगा ये गीत संगीत का माहौल, नदीम श्रवण का नाम कायम रहेगा दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हो और आप किस बारे में और सुनना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप म्यूजिक लवर हैं और श्रवण जी को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिए म्यूजिक के लिए, आप अगर फैन हैं उसके लिए, आपकी शुभेच्छाओं के लिए। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ दोस्तों, आप कितने बड़े फैन हो आप बताइए। आपको मेरी बात कैसी लगी, पसंद आई तो प्लीज जरूर मुझे बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।